राजधानी दिल्ली में स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में पंचायत पुरस्कार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 17 से 21 अप्रैल के दरमियान किया गया। क्या कुछ विशेष रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं विस्तार से। पंचायत राज दिवस के उपलक्ष्य में 17 तारीख से 21 तारीख तक पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सतत विकास लक्ष्य जो है, यूनाइटेड नेशन ने 17 सतत विकास लक्ष्य को चुना था, उसको कॉम्पैक्ट करके हमारे मंत्रालय ने 9 सतत विकास लक्ष्य बनाए हैं। वो 9 सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको यहाँ पे पुरस्कार दिया है। खुशी की बात यह है कि लगभग 2,68,000 पंचायतों में से 2,42,000 पंचायतों ने इसमें सहभाग लिया। ये तो 92% पंचायतों ने इसमें हिस्सा लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन करने से अच्छा कि कंट्रीब्यूशन करो, तब अपने लाइफ में एंजॉय आपको मिलेगा। और यही हमारे सरपंच कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये पहचान है। मैं ऐसा, मेरी सोच है कि गांव में इस तरह से काम हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में मेरा गांव इस तरह से श्रेष्ठ बने कि मेरे देश की पहचान मेरे गांव से हो। और हमारे सरपंच लोग इतना अच्छा काम करें, जैसे अभी ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग देश में कम से कम 500 ऐसे विलेज होंगे जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करके अपने गांव को सक्षम बनाया है। उसमें कार्बन न्यूट्रल हो गया, उनका रेवेन्यू सोर्स बढ़ गया, पावर का क्रेडिट मिलने के वजह से उनका इनकम बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन न्यूट्रल करने के दिशा में लोग पहल कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि देश का हर एक गांव इसके ऊपर काम करके कार्बन न्यूट्रल बने, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम लोग ग्लोबल कूलिंग की ओर चले जाए। तो इस तरह से अगर अभी जो सर्वे आया उसमें भी हमारा भारत देश सोलर पावर में 3रे नंबर पर है, और इस तरह से योगदान रहेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग अव्वल स्थान पर आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग के जगह पे ग्लोबल कूलिंग की तरफ हम लोग हमारा रास्ता चुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा काम करने वाले सरपंच को, पंचायतों को यहाँ पे पुरस्कार मिला है। आने वाले दिनों में उनसे प्रेरणा लेके और सारे सरपंच इस क्षेत्र में काम करके अपने तरफ से योगदान देके निश्चित तौर पर अच्छा काम करके अपने भारत की पहचान, जो गांधी जी की सोच थी कि सही मायने में भारत गांवों में बसता है, और गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गांव के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हम सारे गांव के सरपंच को साथ में लेके गांव को श्रेष्ठ बनाने के लिए योगदान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव को सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या योगदान दिया है। 2014 से पहले एफसी का जो फंड जाता था पंचायतों को, फाइनेंस कमीशन का, उसका 11वां फाइनेंस कमीशन था, उसका बजट 8,000 करोड़ था। 12वां फाइनेंस कमीशन का बजट 30,000 करोड़ था। 13वां फाइनेंस कमीशन का बजट 58,000 करोड़ था। फिर 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी और सडनली 3 गुना फाइनेंस कमीशन का बजट बढ़ा के 2,82,000 करोड़, यानी 3 गुना इसका बजट बढ़ा के गांव का विकास गांव के हाथ में देने के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ी पहल की। और फिर 15 फाइनेंस कमीशन में उससे बढ़ोतरी करके 2,36,000 करोड़ रुपए का बजट गांव के विकास के लिए किया। यही सोच है मोदी जी की कि गांव सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा। जब तक गांव सक्षम नहीं होगा तब तक गांव के जितनी भी सुविधा देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको यश नहीं मिलेगा। और यही प्रयास पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से सरपंच, सारे सरपंचों को मोटिवेशन देके पूरे गांवों को सक्षम करने का काम
पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है।